मैं इसे इस कमरे में सर्वाइव करने के लिए रोज के $10,000 दूंगा। हमारे पास यहाँ लाखों डॉलर्स हैं, वो भी कैश। तो अगर ये 100 दिन रुक जाता है, ये करोड़पति बन जाएगा। तुम गरीब होने वाले हो। किसी भी वक्त अगर तुम चैलेंज खत्म करना चाहो तो ये लाल बटन दबा देना। समझ तुम गया। चाहो तो मैं इसे दबा के देखूं। नहीं, मैं उल्लू नहीं बनूंगा। अब मैं ऑटोमेटिकली दरवाजा बंद कर दूंगा। गुड लक। तो अब यही मेरा घर है, पर रेंट देने की जगह मैं हर दिन $10,000 कमाने वाला हूँ। ये बहुत आसान होगा। बास्केट। अरे वाह, ये है डिस्को टाइम। लाइट से छेड़छाड़ मत करो प्लीज। ला 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 ला, ला ला ला। जोश को लगता है कि ये आसान होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जानता है कि ये कर पाना कितना मुश्किल होगा। तो मैं अपनी पहली रात गुजारने के बाद अब जाग चुका हूँ। अब मैं ट्रेडमिल पर थोड़ा दौड़ूंगा और नाश्ता करूंगा। पता नहीं। हेलो जॉश, तो ऑफिशियली 24 घंटे हो चुके हैं, पर मैं एक जरूरी बात बताना भूल गया था। जब मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, उसके बदले में तुम्हें इस कमरे में से एक आइटम मुझे देना होगा। 10 सेकंड है जो देना चाहो दे सकते। 10 सेकंड। 9, 8, 3। मिल गए। हाँ, इस मशीन को ले जाओ। क्रिस चैंडलर, तुम जानते हो क्या करना। चलो चलो। तुमने आइसक्रीम मशीन हमें दे दी है, जिसका मतलब अब तुम्हारे पास इस कमरे में 24 और आइटम्स है देने के लिए। तो हमने तुम्हारी दुनिया पलट दी है। अब मैं चलता हूँ। थैंक्स जिम। तो अब इससे सब कुछ बदल जाएगा और मैं सच में टेंशन में हूँ कि अगली आइटम मैं क्या दूंगा, फैमिली पिक्चर या ये गिटार। एक चीज है जो मुझे बिजी रख रही है और दूसरी चीज के जरिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देख पा रहा हूँ। मुझे बहुत सोच समझ कर चीजें देनी होंगी ताकि मैं अपने आप को यहाँ बहुत लंबे टाइम तक बिजी रख पाऊँ। कंप्यूटर से हटो भी, पैसे ले लो। पैसे क्यों भेजे? अब एक चीज दो। लेकिन प्यार। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये देता हूँ। एक और आइटम देना चाहोगे? तो मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। फिर नहीं। ठीक है, ये लो, ये रहे तुम्हारे $10,000। लाओ एक आइटम। आपकी आइटम यहाँ तैयार है जिमी। क्या लगता है अगला आइटम ये हमें क्या देगा? मेरे ख्याल से मैं इसके बाद व्हाइट बोर्ड दूंगा, क्योंकि मैं दीवार पर भी लिख सकता हूँ। क्या वो चला गया? ताकि जोश यहाँ आराम से रह सके, मैंने उसके लिए एक प्राइवेट शेफ भेजी है जो उसे मन चाही चीजें बना के देंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे वाह, ये बहुत लजीज है। आने दो, आने दो, पैसा आने दो। मैं और $5,000 दे दूंगा अगर तुम अगला आइटम काल को चुनने दो। 3, 2। अच्छा ठीक है। क्या सच में? इसकी और इसकी बहन की फोटो? अरे नहीं, ये मेरे लिविंग रूम में बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं पागल होने वाला हूँ, उस फोटो ने मुझे काम रखा था अब तक। मुझे शार्क्स के साथ एक वीडियो शूट करना है, तो कल काल तुम्हें संभालेगा। क्या इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा जो इससे मतलब? तो मैं इंचार्ज हूँ। तुम तो गए। ये हॉट टब में फिट नहीं होगा। अरे फिट नहीं होगा, यहाँ हर जगह पानी है। वो नहीं, काल ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, ये लो मारकर पकड़ो। तो आज मैं ड्रम सेट देने वाला हूँ। चलो चलो। आज सुबह की शुरुआत बहुत धमाकेदार हुई है। ओ, तुमने ड्रम सेट तोड़ दिया। देखो मैं पूछने पर मजबूर हो गया हूँ, मेंटली तुम सही तो हो? हाँ, मतलब मेरे अंदर जितना गुस्सा था मैंने सब निकाल दिया, तो अब अच्छा लग रहा है। ठीक है। वो ये नहीं जानता कि उस गिटार में $1,00,000 का चेक रखा हुआ है। अगर उसने बगैर देखे गिटार दे दिया तो वो 1,00,000 नहीं गिने जाएंगे। ठीक है। जॉश का रूम काफी गंदा था, तो मैंने क्लीनिंग क्रू को बुलवा कर सफाई करवा दी, और पता नहीं कैसे उसकी नींद खुली तक नहीं। इसे यहाँ इस कमरे में ऑफिशियली 8 दिन हो चुके हैं, और पता नहीं क्यों लेकिन ये शाम के 6 बजे भी सो रहा है। शायद बोर होकर सो गया होगा। गुड मॉर्निंग जॉश, हालांकि शाम हो रही है, ये लो और 10,000 कैश। आज कौन सा आइटम दोगे? फ्लेम थ्रोवर। ठीक है, फ्लेम थ्रोवर हमारा हुआ। बस हम यहाँ इतना ही करने आए थे, अब हम चलते हैं। बाय। तुमने तो आइडियाज मत दो से क्रिस, हम जा रहे हैं। उसके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा भी नहीं। हर एक मिनट मेरा चेहरा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? तो लीजिए, पेश है क्रिस, और आप तो जानती हैं कि वो कितना क्यूट। मैं तुम्हारा भगवान हूँ। क्रिस, तुम माइक के इतना करीब आकर क्यों बोल रहे हो? मुझे बाहर की दुनिया दिखाओ। बाहर अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या इतनी जल्दी रात भी हो गई? हाँ। यहाँ तो वक्त का अंदाजा ही नहीं लग रहा है। ठीक है जिमी, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। देखो क्या है। अगर नोलन तुम्हारे साथ अगले 24 घंटे बिताता है, मैं तुम्हें आज एक्स्ट्रा 10,000 दे दूँ। क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? नहीं, सिर्फ इसे। तो क्या मैं ऐसे ही यहाँ रुकूं? चैलेंज शुरू करने के लिए तैयार? हाँ, हम चिल करेंगे। चलो आओ। 2, 3, 4। तुम बीट्स पर बिल्कुल नहीं बजा रहे हो। हाँ, जानता हूँ। ठीक है, मेरा हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा। रुको रुको रुको, बटन दबा कर रहूंगा। देखो इसमें अभी थोड़ी बैटरी बची है।
ये तुम हो। बस बहुत हो गया, वो दरवाजा नहीं खोले। बार के पीछे दीवार है, डंक चैलेंज, चलो शुरू करें। दो दोस्त बैठे हैं एक हॉट टब में। बॉयज, 5 नहीं 6 डिजिट हो गए। वो इसका मतलब समझे कि नहीं? नहीं, मैं जो चाहूं कह सकता हूं, तुम सवाल तक नहीं करो। हाँ, हाँ। तो 10 दिन हो चुके हैं और इसी खुशी में हम 10,000 का 5 फुट लंबा कस्टमाइज केक बनवा कर लाए हैं तुम्हारे लिए। माय गॉड, गाइस गाइस गाइस, क्या करना है? तो मैं बस यही खड़े होकर देखने वाला हूं। क्या मतलब, सिर्फ वहां रुककर देखोगे? आओ ऐसे। अरे वाह, कमाल का केक है। $10,000 का केक एंजॉय करना। हाय जिमी। और अब तक मैं $115,000 कमा चुका हूँ और नोलन के रुकने की वजह से 10,000 एक्स्ट्रा भी मिल गए। क्या हाल है जॉश? सॉरी आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं एक दूसरे वीडियो के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारे 10,000 जरूर मिलेंगे। गुड लक। ओह माय गॉश, चलो जल्दी से बाहर एक चीज फेंको। ये लो दोस्तों। मिशन कंप्लीट। जॉश काफी अकेला पड़ने लगा है। जब भी उससे बात करो वो बताता कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड की कितनी याद आ रही है। हर दिन हम यहाँ से एक ब्रीफकेस उठाकर देते आए हैं और देखिए कितने ब्रीफकेस कम हो गए हैं। तो क्या चाहते हो, मैं तुम्हें एक ब्रीफकेस में 10,000 लाकर दूं या तुम्हारी गर्लफ्रेंड लाकर दे लेकिन उसमें सिर्फ 5,000 हूं? क्या वो यहां है? हां, 5 चलेंगे, कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने कहा भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई। ओह माय गॉश, इसे रख दो, रख दो, रख दो। अच्छा लग रहा है, जरा देखो कितने खुश। 12 दिनों से वो अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला। मेरे ख्याल से इन 6 सालों में ये पहली बार हुआ होगा कि हम इतने दिनों तक ना मिले हो। अच्छा, मैं बताना भूल ही गया कि सिर्फ 10 मिनट मिलेंगे और 3 हो भी चुके हैं, अब सिर्फ 7 मिनट बाकी। नहीं, अब लगता है कि जब तक मैं ये जानता हूँ कि तुम बाहर ठीक हो तो मैं भी यहाँ ठीक से रह लूंगा। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर आई हो। भाई मैं कबाब में हड्डी बनने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन 10 मिनट हो चुके। नहीं, अब मुझे जाना होगा। लव यू, बाय। पता नहीं इसका आना मेरे लिए ठीक था या नहीं, बुरा लग रहा है। 13वें दिन जॉश ने मुझे उसकी चैंडलर से लगी $10,000 की बेट के बारे में बताया। 10,000 की शर्त, मैं 10 दिन से ज्यादा रुकूंगा। ठीक है डील। मैं जिमी के और 10,000 लेकर एक शर्त लगाना चाहता हूँ। अच्छा सुनो, वो जो भी कहे मैं नहीं मानता और कोई शर्त नहीं लगेंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ये 20,000 लो और इन पैसों से एक अंगूठी खरीद कर लेकर आओ, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला हूँ। वाओ, मैं यकीन है तुम्हारी अंगूठी ये बदमाश सही से खरीद लेंगे। बिल्कुल नहीं, पर और कोई रास्ता भी नहीं है। सीरियसली गाइस, मैं कहना को सालों से प्रपोज करने की सोचता आया हूँ और यहाँ ट्रैप होने के बाद मुझे वक्त की कीमत समझ आई है। अब मैं और नहीं रुकना चाहता। तो यहाँ ऑडियो थोड़ा खराब हो गया था। हम पास की एक डायमंड शॉप पर हैं। फिर क्रिस और चैंडलर ने ज्वेलर से बात की और जॉश जैसी अंगूठी चाहता है वैसी अंगूठी ढूंढ निकाली। हमने कर दिया। तो तुम पहली बार अपनी वेडिंग रिंग देखने वाले हो। हाँ, यकीन नहीं हो रहा। ये कमाल की है। सच कहूँ तो मैं एग्जैक्टली ऐसी रिंग लेना चाहता था। इस रिंग से नजर नहीं हट रही और मैं जितनी बार इसे देख रहा हूँ उतना जल्दी बाहर जाने का मन कर रहा है। यहाँ बिताया हर एक दिन मुझे और जल्दी प्रपोज करने के लिए पुश कर रहा है। जॉश 2 हफ्तों तक इस कमरे में रहकर $160,000 जीत चुका है और 15वें दिन मैं शहर से बाहर था तो मैंने जॉश को एक स्पेशल गेस्ट के साथ फेस टाइम किया। आइए देखते हैं। ए दोस्त, क्या वो जेक पॉल है? तो मजे ही मजे। मेरे कमरे के लिए एक परफेक्ट सेंटरपीस है। रिक्लाइनर जा चुका है और अब सिर्फ 9 चीजें बची है और मैं नहीं जानता कि मैं अगली क्या चीज देने वाला हूँ। मैं वीआर की दुनिया में हूँ, या ये कहूँ कि ये दुनिया ही वीआर की है। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं। हाँ ट्रेडमिल ले जाओ, नोलन आया, थोड़ा चिल करने। वो क्या था? आप, ओ, ये क्या था? इसके आने से मुझे खुशी तो हुई है। ये जानने के बाद कि मैं 190,000 लेकर जा सकता हूँ, मेरे लिए जाना मुश्किल हो गया है। सच कहूँ तो ताजी हवा की कमी महसूस हो रही है जिस वजह से मुझे तबीयत खराब लग रही है। आज डॉक्टर आए थे मुझे देखने, मेरा गला भी खराब हो चुका है। एक पल के लिए मैंने सोचा कि बटन दबा के चला जाऊँ, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे? ये रहे 10,000, कौन सा आइटम दो? मैं वीआर देता हूँ। फिर तुम कल क्या करोगे? गिटार बजाऊंगा शायद। तुम थके हुए लग रहे। काफी लोगों को लगेगा कि ओह ये तो बहुत आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं, लेकिन इसे समझने के लिए आपको ऐसा ही कुछ। पता है क्या, तुम सही कह रहे हो, बहुत मुश्किल है, तुम्हें चले जाना। नहीं, नहीं जा सकता। हेलो जॉश, चल क्या रहा है? क्या वो कपड़े पहनकर टब में बैठा हुआ है? अरे भाई कैसे हो तुम? मैं बस जिंदा हूँ। यहाँ टब में बस जिंदा हूँ। आज वो जो आइटम दे रहा है वो है हमारा टब और उसे तुम निकालो। लाइट चालू करो, चलो चले। शायद नहीं जा पाएंगे। अगर टब का पानी निकाल के डिसअसेंबल कर दोगे तो ज्यादा आसान होगा ना? अपने काम से काम रखने में ज्यादा आसानी नहीं होगी। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से मैं इसे अंदर ला सकता हूँ, बस छत थोड़ी गिर जाएगी। ओह नो, ओह माय गॉड।
रुक जाओ, क्या कर रहे हो? सच में जिम, मैं जब से यहाँ आया हूँ आज पहली बार इतनी खुशी हो रही है। मजा तो बहुत आता है क्रिस और उसकी हरकतें देखने। अरे रुको रुको रुको, रुक जाओ, ये कर क्या रहे हैं? मेरी छत, दुश्मनों ने जाल बिछा रखा है। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? अरे कोई रोको इन्हें। ओह, अरे इसने कर दिखाया। ओह, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं टाइल्स को तोड़ तो नहीं रहा ना? बस तोड़ने ही वाले हूँ। ओह माय गॉश, इसे निकालो यहाँ से, जाओ। अरे नहीं, फ्लोर की हालत तो देखो। ओह माय गॉश, तोड़ दिया है तुम ये करके। क्या बात है। ओह, तो अभी हमने देखे क्रिस और उसके कारनामे। वीडियो के शुरुआत में ये कमरा कुछ ऐसा दिख रहा था और अब इस कमरे की हालत है ये, और ये टायर के निशान तो एक नई कहानी बयां करने वाले। मेरा मतलब इस जगह की हालत तो देखो, लग रहा है किसी कंस्ट्रक्शन जोन में। अरे नहीं, मैं ये पानी के कैंस तो भूल ही गया था। मैंने शुरुआत में अपने टब को इन्हीं कैंस से भरा था और फिर यहाँ फेंक दिए थे। क्या मुझे स्टार्स मिलेंगे? लाइट्स ऑन। क्या हाल है जॉश? जॉश, मैं यहाँ ऊपर हूँ जिम। आज के तुम्हारे 10,000 आ गए, बदले में क्या देना चाहोगे? मेरे ख्याल से मैं आज पूल टेबल देना चाहूंगा। जिमी, उतरने में मदद करो ना। जिमी नहीं, मुझे और नहीं रुकना है। हाँ तो जाओ, मैंने तुम्हें अमीर बना दिया। हाँ जानता हूँ, थैंक्स जिम। और हाँ, तुम सबसे अच्छे हो, आई लव यू। लव से याद आया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात हुई थी, उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बस इतना ह्यूमन इंटरेक्शन काफी है, आज रात निकाल लो, कल सीढ़ी ले आएंगे। मैं इस कमरे के बाहर की दुनिया को मिस कर रहा हूँ। बार बार बस कहना के बारे में ही सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल से जॉश लोगों की ताक झांक से तंग आ चुका है। ओह यस, नहीं, ओह नहीं। आज कौन सी चीज दो? बास्केटबॉल। हाँ समझ गया। ओह माय गॉश, सच बता तो मेरे दिन का सबसे खास पल वही होता है जब ये चीजें लेने आते हैं। और अब जॉश के पास यहाँ रहने के लिए है ये गिटार और ये बेड और 2,30,000 भी। पैसों के बारे में सुनकर गम चला जाता है, क्योंकि मेरे बेड पे बहुत सारा सामान पड़ा है तो मैं सो नहीं पा रहा हूँ, और लगता है कि अब मेरी रातों की नींद भी उड़ने वाली है। ये क्या, ये आखिरी चीज थी यार, उसका भी स्ट्रिंग टूट गया। अब मैं पागल होने वाला हूँ, इसी की वजह से मैं खुद को संभाल पा रहा था, लेकिन अब नहीं लगता। क्या बात है, ये क्या, क्या क्या सच में मुझे $1,00,000 का चेक मिला? क्या बात है, क्या हाल है जॉश? देखो तो मुझे क्या मिला जिमी, लेकिन गिटार तोड़ा क्योंकि इसे ही देना चाहूंगा। आज 11 ब्रीफ केसेस हो चुके हैं। क्या बात है, ले आओ जिमी, वक्त हो गया, जाओ कैनो को लेकर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ले आऊं इसी वक्त? पक्का ये चाहते हो? मैं पूरी तरह से यही चाहता हूँ। इस कमरे में और नहीं रहना। मैंने 3,40,000 जीते, काफी है, मैं खुश हूँ, मुझे प्रपोज करने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। बाहर निकलने से पहले कुछ पलों के मजे ले लो। मैं तुमसे एक मिनट के लिए कुछ बात करना चाहता हूँ। तुमसे दूर रहकर मुझे और भी ज्यादा एहसास हो गया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें कितना चाहता हूँ। वो किसी भी पल प्रपोज करने वाला। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ, और इसलिए मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ओह माय गॉश, विल यू मैरी मी? वो जीते हुए पैसों पर फिसल गए दोनों, और साथ ही हम तुम्हारे परिवार को भी ले आए। सच में? कैसे हैं आप सब? कांग्रेचुलेशंस। चलो चले। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। गुड बाय। ताजी हवा।